हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अर्चना में। लेकर आई हूँ एक नया वीडियो और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक की जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और मार्केट में गिरावट के कारण ये स्टॉक में भी गिरावट हो रही है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक जो कि बेहतर रिटर्न दिला सकता है, आज हम बात करने वाले हैं दो PSU बैंक स्टॉक की जो कि इस गिरावट में, इन सारे शेयर में भी गिरावट देखी जा रही है। ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक जो PSU बैंकिंग सेक्टर का है, जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका करेंट प्राइस अभी 34-35 रुपया चल रहा है और इस शेयर का 52 वीक हाई जो था वो 54.80 रुपये का था और 52 वीक लो यानी एक साल का लो 32.70 रुपये का था। मतलब अभी ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। 23,750 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का, इस बैंकिंग स्टॉक का, और ये अच्छा डिविडेंड देती है। 5.43% का डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। रिवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 83.49% की है। FIIDII की होल्डिंग भी बनी हुई है, तो इसे लॉन्ग टर्म के व्यू से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से बहुत शानदार रिटर्न मिल सकता है। दूसरा स्टॉक जो कि ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक का ही स्टॉक है, PNB पंजाब नेशनल बैंक, जिसका करंट प्राइस अभी 29.25 रुपये के पास चल रहा है और मतलब 29-30 रुपया है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 48.20 का था और एक साल का लो 28 रुपये के आसपास है और अभी ये भी इसी लो के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है। तो मार्केट कैप इस स्टॉक का 32,207 करोड़ का है। ये शेयर भी डिविडेंड देती है लेकिन थोड़ा कम देती है, 2.17% का डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। प्रमोटर की होल्डिंग भी इस शेयर में 73.15% का है। FIID की होल्डिंग भी बनी हुई है। तो ये स्टॉक भी, ये दोनों स्टॉक को लॉन्ग टर्म के व्यू से अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, जो कि आने वाले टाइम में इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देने की पूरे चांसेस हैं। तो आप सभी को ये दोनों स्टॉक कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ।